सरकार के दो साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष अमित शाह इस वक्त प्रेस से मुखातिब है, सुनते हैं। देखिए, ये सारी योजनाओं का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, कैबिनेट के साथ नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं और हर 15 दिन में एक बार बैठते हैं और एक एक योजना को लेकर, इसकी प्रगति को लेकर इसका हिसाब किताब लिया जाता है। इसी का कारण है कि बहुत सारी योजनाओं में प्रगति हुई है और मैं बाद में नंबर लिखाऊंगा आपको, नरेंद्र मोदी ऐप पर चले जाएंगे तो आंकड़े भी आपको तुरंत ही मालूम पड़ जाएगी किस योजना में कितनी प्रगति थी, लक्ष्यांक से आगे चल रहा है या पिछड़ रहा है, और पिछड़ रहा है इसके पीछे हम दमखम से हमारी सरकार लगी हुई है और मुझे भरोसा है कि लक्ष्यांक को हम पार कर लेंगे। रविंदर जी, फिर वेंकट। अमित जी, एक इधर इधर अमित जी, हाँ पूछो। सवाल यह है कि आप हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, बार बार अपने सांसदों को कहते हैं कि सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाएं और उसके लिए प्रगति, आपने भी बोला प्रगति की मीटिंग करते हैं, वो रिव्यू भी करते हैं। मेरा सवाल यह है कि जी न्यूज ने एक सर्वे किया है, कई राज्यों में सर्वे किया, कई सांसदों के क्षेत्रों में सर्वे किया और उसमें ये पाया गया है कि गांव के कई लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी। सवाल यह है कि क्या लग रहा है कि आपके जनप्रतिनिधि उन योजनाओं को ठीक ढंग से पहुंचा नहीं पाए हैं, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई या उनको कोई इंस्ट्रक्शन देंगे आप? अरे भैया, मीडिया का भी तो दायित्व है, आप दिखाओ जरा रोज एक एक योजना अपने आप पहुंचाएगी। सिर्फ जनप्रतिनिधियों पर देश का विकास क्यों छोड़ रहे हो? मीडिया का दायित्व नहीं है क्या? आ यहाँ बैठे हो सब लोग तय कर लिए एक अच्छी योजना रोज एक बार टीवी पर दिखानी है तो अपने आप पॉपुलर हो जाएगी। हम तो कर ही रहे, आप भी करो। यानी हर जी टीवी हर रोज एक योजना टीवी पर दिखाए देश के भले के लिए, मोदी का चेहरा मत लगाइए मगर देश के भले के लिए तो दिखाइए। वेंकट जी, मैं टीवी के बाद प्रिंट पे भी जाता हूँ थोड़ा सा। हाँ वेंकट जी। अमित जी वणकम, वेंकट रामन फ्रॉम ईटीवी। जी वेंकट जी। अमित जी, यू हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन द कंक्लूडेड 5 states इलेक्शन। बीजेपी हैड अ मेजर ब्रेक थ्रू इन असम एंड यू गॉट अ ब्रेक इन केरला, but unfortunately why you could not get a breakthrough in Tamil Nadu? Now then, during the election campaign you made allegation against Jayalalitha and her government. Now the elections are over, parliament is now the government is functions are on, the parliament session is going to be there. How are you going to get support from Jayalalitha bill like GST and other issues, sir? Dekhiye, jahan tak Jayalalitha ka ji ka sawal hai, hum to har ek party ko appeal karte hain ki desh ke vikas ke agenda ka samarthan kare, और अब निर्णय जयललिता जी ने करना है। मैं तो आज सभी देश की सभी पार्टियों को कहता हूं कि भाई देश के विकास का जो एजेंडा है उसको पार्लियामेंट के दोनों सदनों में आप सपोर्ट करिए और उसमें हमें कोई अहम नहीं है, अहम नहीं है हमारे पास, ना अहंकार है। हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम जनता के विकास के लिए जो योजनाएं हैं, जनता के विकास के लिए जो कार्य योजनाएं और विधेयक है उसका आप समर्थन करिए। विभाजी ट्रिब्यून से। नहीं नहीं, ऐसा क्यों? और मैं स्पष्ट कर दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है। मैंने ऐसा कहा है क्योंकि पंजाब के अंदर हमारे बड़े भाई है, वो एक अलायंस में बड़ी पार्टी अकाली दल है तो स्ट्रेटेजी बनाने में लीड उनको लेनी पड़ेगी, उन पर छोड़ दिया ऐसा मैंने नहीं कहा। और स्वाभाविक है, वो ज्यादा सीटें वो लड़ते हैं तो उन्हीं ने स्ट्रेटेजी बनाने में लीड देनी पड़ेगी, मगर दोनों पार्टियां इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ेगी और दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। लिज मैथ्यू, पढ़ जा बात। तिवारी जी, आप दोनों का एक कॉमन सवाल है, पूछिए। सर रवीश तिवारी, इकोनॉमिक टाइम्स से। आपकी पार्टी के एक सांसद है राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी, वो लगातार रिजर्व बैंक के गवर्नर पर के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको तत्काल सैक करने की बात कर रहे हैं। आपकी रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया साफ नहीं आई है, इवन आप लोगों के वैचारिक सहयोगी जो हैं एस गुरुमूर्ति जी ने भी सुब्रमण्यम स्वामी के समर्थन में खड़े हुए हैं, तो पार्टी की क्या राय है रघुराम राजन के बारे में? नहीं, इस पर पार्टी ने राय देने की कोई जरूरत नहीं है। सर अभी पांच आफ्टर द 5 state इलेक्शंस, डू यू थिंक दैट विल मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन राज्यसभा, स्पेशली इन द वेक ऑफ 2 parties लाइक टीएमसी एंड एडीएमके हैव वन ह्यूज मेजोरिटी इन द रेस्पेक्टिव असेंबलीज?
ना जी, अरुण जेटली जी और हमारे एक और मंत्री साथ में गए, बाबुल सुप्रियो, वो जनादेश का सम्मान करने के लिए गए हैं। पांचों राज्यों के चुनाव में जिसने भी चुनी हुई सरकार ने हमें निमंत्रण दिया, हम वहां जरूर गए। मैं मानता हूं कि फेडरल स्ट्रक्चर में ये संघीय सरकार का दायित्व है। इट डजंट मीन कि हमने बंगाल में हमारा संघर्ष छोड़ दिया है, हम बंगाल में डटकर संघर्ष करने वाले हैं जब तक हमारी सरकार न बने। रामनारायण श्रीवास्तव, रामनारायण श्रीवास्तव हो गया, एक मिनट आतुर सर, एक मिनट प्लीज। हाँ, रामनारायण श्रीवास्तव। सपा से है भाजपा का, क्या भाजपा वहां पर बसपा को नहीं दिया या उसको किस रूप में दे, कितने महत्वपूर्ण मान रही बसपा को? अरे भाई, मैंने मेरा असेसमेंट कर दिया। मैं मानता हूं कि हम चुनाव जीतेंगे, स्पष्ट बहुमत के साथ जीतेंगे, और हमारी मुख्य स्पर्धा सपा के साथ। दादा, आपका सवाल। क्या था? पहले बुलाते ना, हमने सोचा था भाई, आपने नहीं सोचा होगा, हमें मालूम था ऐसा आएगा। दो पांच सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, मगर अंदाज था। करेंगे, अभी देर तय नहीं है। ब्रजेश जी, सर, देयर इज अ कॉल रिकॉर्ड्स फ्रॉम दाऊद इब्राहिम, हु इज इंडियाज मोस्ट इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, हैज बीन फाउंड ऑन वन ऑफ योर एमएलएज एकनाथ खड़से इन मुंबई। सो राजनाथ सिंह हैज ऑर्डर्ड अ प्रोब, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज? मुझे मालूम नहीं है गृह मंत्री जी ने प्रोब ऑर्डर की है या नहीं की है, मगर वहां की पुलिस ने कोई प्रोब कर इसका रिजल्ट आपके सामने रखा था। लास्ट में, हाँ आप पूछिए। नहीं, आंशिक काबू नहीं है, आंशिक काबू नहीं है। तो दो साल में सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा करी, क्या वो जनता तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, इस पर जी न्यूज ने भी एक सर्वे किया है। हालांकि अमित शाह का ये कहना है कि सबका दायित्व है इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का।